मिर्जापुर की चुनाव सीट से बीजेपी विधायक पर बड़े आरोप लगे हैं। विधायक एक डेंटल कॉलेज के अध्यक्ष हैं। इस कॉलेज में शासन से शुल्क प्रतिपूर्ति का जो पैसा आया, ना तो वो फीस में समायोजित किया गया, ना छात्रों को लौटाया गया, और बीजेपी विधायक ने लाखों का गबन कर दिया। गरीब छात्रों के हक पर बीजेपी विधायक का डाका, छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति को पचा गया चुरार विधायक। जांच के बाद सामने आई अनुराग सिंह की चोरी, बीजेपी विधायक समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज। मिर्जापुर की चुनार विधानसभा से बीजेपी विधायक है अनुराग सिंह। विधायक के साथ ही अनुराग सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के अध्यक्ष भी है। बस इसी के सहारे छात्रों के हक पर जमकर टाका डाला और लोगों के पैसों का गबन कर दिया। शासन की ओर से सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान को 14 मार्च 2016 को खुली जांच के आदेश मिले थे। जांच के बाद विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी थी। इसके बाद विजिलेंस के इंस्पेक्टर डीएस राठौर ने गुरुवार को पीजीआई थाने में तहरीर दी। कई छात्रों को शासन की ओर से की गई शुल्क प्रतिपूर्ति, एक साल से 2,06,000 रुपए शुल्क प्रतिपूर्ति की गई। विभाग ने यह पैसा समायोजन करने या छात्रों को लौटाने का आदेश दिया, लेकिन विधायक ने फीस भी और इस पैसे को भी पचा गया। छात्रों को वापस नहीं की शुल्क प्रतिपूर्ति। तहरीर में जिक्र है कि छात्रा प्रेरणा चौधरी की ओर से 2 वर्ष की फीस खुद जमा की गई थी। वही संस्थान को समाज कल्याण विभाग की ओर से 3 वर्षों की शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई थी। संस्थान ने सिर्फ साल 2009-10 एवं साल 2010-11 की फीस का समायोजन ही किया। जांच में पाया गया कि वर्ष 2008-09 की प्राप्ति शुल्क प्रतिपूर्ति प्रेरणा को वापस नहीं की गई और 2,06,000 रुपए संस्थान ने उपयोग कर लिए। ऐसा कई छात्रों के साथ हुआ। विजिलेंस की जांच में अन्य छात्रों के साथ गबन की आशंका जताई गई है। ईमानदारी का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक पर गबन का आरोप लगा है। दरअसल सरदार पटेल डेंटल कॉलेज के चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी की चुनार विधानसभा सीट से विधायक हैं अनुराग सिंह। वो इसी सरदार पटेल डेंटल कॉलेज के चेयरमैन हैं और इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने जो समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति जारी होती है उसकी प्रतिपूर्ति का जो पैसा था वो छात्र छात्राओं को नहीं मिला। छात्र छात्राओं ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामला विजिलेंस को सौंपा। विजिलेंस ने इसकी जांच की। उस जांच में विधायक और कॉलेज के तमाम कर्मचारी दोषी पाए गए। उनके खिलाफ विजिलेंस ने पीजीआई थाने में तहरीर दी है और पीजीआई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधायक खुद नामजद है इस मुकदमे में। अब देखने वाली बात यह है कि पीजीआई पुलिस किस तरह की कार्रवाई विधायक के खिलाफ करती है। कैमरामैन मिन्हाज के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ।